चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त गाजियाबाद में बीजेपी की तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है, इसी को लेकर हमारे जो संवाददाता है हिमांशु वो वहां पर मौजूद है, तो सीधा कुछ तस्वीरों के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी क्या कुछ जानकारी आ रही है बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर? हिमांशु, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो चुके हैं, साथ ही बीजेपी के जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, गाजियाबाद के घंटाघर रमला मैदान का नजारा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए लोग एकजुट हो गए हैं और पूरे शहर भर में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। गाड़ियों पर सवार होकर मोटरसाइकिल पर तिरंगा लेकर लोग शहर भर में जाएंगे और तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। यहां पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद हैं, मंत्री से चाहूंगा वो एक बार बातचीत करें और तिरंगा उनके पीछे है हाथ में तिरंगा, मंत्री जी आप भी ले लीजिए और जरा बताइए इस तिरंगा यात्रा का क्या महत्व है और आज इसको क्या निकालने का उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा के क्षेत्रों में हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रभाव को मजबूत करने के लिए, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए वृहद आयोजन किया है, जिसके क्रम में आज गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी नौजवानों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने तिरंगा यात्रा का वृहद आयोजन घंटाघर रामलीला मैदान में रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी साथियों को बधाई देता हूं, देश और प्रदेश के सभी भाई बहनों को बधाई देता हूं, क्योंकि 15 अगस्त अभी नजदीक आने वाला है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित होते हुए राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए अपनी भूमिका निर्वाह कर रही है, 15 अगस्त के आयोजन को हर घर घर में पहुंचाने का, हर घर पे तिरंगा लगाने का काम कर रही है। निसंदेह हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का और हर घर तिरंगा लगाने का काम अभी से शुरू हो गया है। मैं विजय से कहूंगा एक बार तस्वीरें फिर आपको दिखा दें, जो पूरा ग्राउंड है वो आप देखेंगे तो पूरी तरह से तिरंगे से पटा हुआ नजर आ रहा है, हर बाइक पर हर गाड़ी पर तिरंगे नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो आ चुके हैं। बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है वो भी यहां पर आ चुके हैं, संजीव शर्मा जी, और अब ये यात्रा कुछ ही देर में यहां से हरी झंडी लगा दी जाएगी। और संजीव शर्मा जी यहां आप देख सकते हैं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हमारे साथ लाइव है, उनसे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, किस तरह से यात्रा का रूट रहने वाला है, कितने किलोमीटर की लंबी यात्रा रहेगी? देखिए तिरंगा यात्रा है और तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलकर हापुड़ मोड़ से होते हुए पुराना बस अड्डा, चौधरी मोड़, प्रताप बिहार, विजयनगर, आज शहर विधानसभा की तिरंगा यात्रा है जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी समेत सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। ये युवा मोर्चा के नेतृत्व में ये मोटरसाइकिल रैली और लोगों को अलग उत्साह देखने को मिल रहा है इस यात्रा का, ऐसा लग रहा है जैसे 15 अगस्त आज ही आ गया हो। ये देशभक्ति के लिए लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था उसके लिए लोगों को जागृत करने के लिए लोग तिरंगा लगाएं, इसके लिए ये रैली हो रही है, तिरंगा यात्रा हो रही है, बहुत सफल यात्रा है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे मंत्रीगण इसमें शामिल है, हमारे कार्यकर्ता शामिल है, ये जन भावनाओं को जागृत करने के लिए जो मोदी जी ने कहा है उसके लिए यात्रा है। बिल्कुल, तो मोदी जी ने जो जन भावनाओं को जागृत करने के लिए कहा है उसके लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है और देख सकते हैं बड़ी संख्या में स्टेज पर भी लोग मौजूद है तो वही नीचे भी सैकड़ों की संख्या। बिल्कुल हिमांशु,